हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बच्चे के फेस पर लाल दाने या सफ़ेद दाने क्यों निकलते हैं, तो आज मैं आपको इसके कुछ कारण और साथ में कुछ उपाय भी बताने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल घरेलू उपाय हैं, जो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बच्चों के चेहरे से लाल दाने या सफ़ेद दाने कैसे ठीक करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा कि जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बीच में मिस हो जाएगी, फिर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि न्यूबॉर्न बेबी जैसे होते हैं तो उनके चेहरे पर लाल दाने या सफ़ेद दाने निकल आते हैं। कई लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है, बच्चे के फेस पर किसी तरीके की एलर्जी तो नहीं हो गई है। तो इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं होती है, इतने ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होते हैं कि इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत है। ये सभी बच्चों के साथ होता है, इनके आने के कुछ कारण होते हैं। सबसे पहली बात तो ये होती है फ्रेंड्स कि जो लाल दाने निकलते हैं बच्चे के फेस पर, अगर बच्चे को कब्ज़ हो रही है, पॉटी काफ़ी दिनों बाद आती है, पेट बच्चे का सही नहीं है, इस वजह से भी बच्चे के फेस पर लाल दाने निकल सकते हैं। दूसरा कारण इसका होता है कि गर्मियों में जैसे बच्चे ने जन्म लिया है और बच्चे को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो इस वजह से भी बच्चे को गर्मी की वजह से भी चेहरे पर लाल दाने निकल सकते हैं। इसके साथ बच्चे के फेस पर लाल दाने निकलने के कुछ कारण आपके भी होते हैं, वो इसलिए जैसे कि आपका बच्चा फीड करता है और 6 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और आप अपने खाने में ऑयली ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल करने लगी हैं, तो भी बच्चे के चेहरे पर लाल दाने निकल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो कारण होता है वो होता है कि अगर बच्चे के आसपास साफ़ सफाई नहीं है, जैसे कि आप बच्चे को फीड करा रही हों, बच्चे को फेस ठीक तरीके से क्लीन नहीं कर रही हैं, या बच्चे जिसमें एक रैप है वो कपड़े अगर गंदे हैं किसी भी तरीके से, तो इस वजह से भी बच्चे को चेहरे पर लाल दाने निकल सकते हैं। अब इसके कुछ हम घरेलू उपाय जान लेते हैं जो कि आसानी से सही हो जाते हैं, इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने बच्चों के साथ क्या उपाय किया, मेरे बच्चों के साथ भी ये सेम प्रॉब्लम हुई है। सबसे पहले तो फ्रेंड, जिसमें आप बच्चे को रैप करते हैं वो टॉवल है, ब्लैंकेट है, वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इसके साथ ही बच्चे को आप फीड करा रही हैं, जितने टाइम तक भी आप फीड कराती हैं बच्चे को, कम से कम आपको 6 महीने तक ऑयली और ना ही ज़्यादा मिर्च मसालों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा स्पाइसी खाएंगे, ऑयली ज़्यादा खाएंगे तो उसका इफ़ेक्ट बच्चे पर देखने को मिलेगा। इसीलिए ज़्यादा ऑयली खाना आप ना खाएं। बच्चे के फेस पर लाल दाने निकल आते हैं, फेस पर रेडनेस आ जाती है, तो आपको बार बार बच्चे के फेस पर हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, इसके साथ क्या करना है कि जो आप अपनी क्रीम लगा रही हैं, जैसे मॉइस्चराइजर क्रीम है, कोई सी भी आपने ली हो बच्चे के फेस पर भी लगा दी, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। बेबी के लिए अलग से क्रीम आपको लेनी है, जो बेबी की सेंसिटिव स्किन के लिए अलग से क्रीम बनाई जाती है, आपको वही क्रीम बच्चे के फेस पर या बॉडी पर यूज़ करना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या करते हैं कि हम अपनी क्रीम लगा दी बच्चे के फेस पर, तो इससे भी बच्चे को एलर्जी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए आप बच्चे को बेबी क्रीम ही लगाएं, वो भी मैं रिकमेंड करूँगी कि आप हिमालया की क्रीम ही यूज़ करें, बहुत अच्छी है, मैं अपने बच्चों पर वही इस्तेमाल करती थी। इसके बाद बच्चे के फेस पर अगर हम कोई गर्म चीज़ लगा देते हैं, जैसे कि ठंडियां हैं तो ठंडियों में जैसे कि मेथी वाला तेल, अजवाइन वाला तेल है सरसों का, वो भी हमने बच्चे के चेहरे पर लगा दिया, तो इससे क्या होता है बच्चे के चेहरे पर गर्मी हो सकती है, जिस वजह से भी लाल दाने निकल सकते हैं। इसलिए अगर आप लहसुन मेथी का जो तेल है सरसों का उसकी मालिश कर रही हैं, बहुत अच्छा है, करना भी चाहिए, लेकिन बच्चे की बॉडी पर करना चाहिए, फेस पर वो तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अगर बच्चे को इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ईजी उपाय जिनको आप अपनाकर अपने बच्चे की जो स्किन प्रॉब्लम है, जो लाल दाने हैं, उनसे छुटकारा पा सकते हैं। अब जैसे कि मैंने बात की सफ़ेद दानों की, सफ़ेद दाने बच्चे की स्किन पर आना बिल्कुल नॉर्मल है, इनसे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब बच्चा फीड करता है आपका, तो ये स्टार्टिंग में इनको बोला जाता है दूध के दाने, तो ये आते ही हैं बच्चे की स्किन पर, अपने आप ही सही भी होते जाते हैं, इसीलिए आपको इनको देखकर टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।